नमस्कार, न्यूज इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ उमंग। आइए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पर। राजस्थान विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे चुनावी दौरे पर है। सीएम राजे ने गुरुवार को झालावाड़, सवाई माधोपुर और धौलपुर में चुनावी सभाओं को संबोधित किया और कांग्रेस पर प्रहार किए। आशीर्वाद की वजह से ही हम लोगों ने मिलकर राजस्थान के अंदर विकास करने का काम किया है। अगर ये नहीं होता, अगर हमारे संत महात्माओं के आशीर्वाद नहीं होते, तो शायद हम यहाँ तक पहुंच ही नहीं पाते। इसीलिए आज मुझे बड़ी खुशी है कि इतना तो मेरा मजाक किया, परंतु हम सब ने मिलकर उनको भी मंदिर और देवी देवताओं का रास्ता बता दिया। कभी किसी मंदिर में तो कभी पुष्कर में तो कभी कहीं हमको उनको सबको देखने का मौका मिल रहा है। मैंने कहा कि अब नहीं, देर आए दुरुस्त आए, आए तो सही। और हमको बड़ी खुशी है कि आप लोग और हमने सबने मिलके उनको वहां तक लाने का ये बहुत बड़ा काम कर दिया है। एक तरफ आप 5 साल का चिट्ठा और एक तरफ आप 55 साल का चिट्ठा अगर लगा लेते हो तो आपको मालूम हो जाएगा कि राजस्थान। जयपुर की हॉट सीट्स में से एक आदर्श नगर विधानसभा क्षेत्र में जातिगत समीकरण ज्यादा हावी है। यहां से बीजेपी ने पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अशोक परनामी तो कांग्रेस ने पैराशूट उम्मीदवार रफी खान को मैदान में उतारा है। न्यूज इंडिया की टीम ने इलाके की कच्ची बस्ती का मुआयना कर लोगों के मूड को जानने की कोशिश की। हम मौजूद है शहर के सबसे अंतिम छोर पर और इन विधानसभा चुनावों में कई हॉट सीटों में से एक हॉट सीट मानी जाने वाली आदर्श नगर विधानसभा इलाके में। ये एक ऐसा इलाका है, एक ऐसा क्षेत्र है जहां से कोई भी प्रत्याशी सबसे कम अंतर से जीतकर विधानसभा की दहलीज पार करने में कामयाब रहा है। और इसकी वजह है यहां के वोटर्स। यहां पर इस बार भी जातीय समीकरण बहुत बुरी तरह से हावी हैं। बीजेपी से पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और एक कद्दावर नेता अशोक परनामी मैदान में है, तो कांग्रेस ने नए चेहरे पर दाव खेला है। पैराशूटर रफीक खान यहां से चुनाव मैदान में है, लेकिन सबसे निर्णायक जो यहां की जनता है, एक बड़ा वोट बैंक है अल्पसंख्यक समुदाय का, जिससे कि हम जानने की कोशिश करेंगे उनके मुद्दे, किन मुद्दों पर वो इस बार किसी भी प्रत्याशी को जिताना चाहते हैं, उनकी समस्याएँ क्या हैं, क्या उनकी सोच है, उनका क्या मूड है, क्या इस बार लहर बदलेगी, क्या चाहते हैं आप बताइए, क्या मूड है इस बार आपका? इस बार मूड ये है कि हमारी नाली साफ सफाई नहीं होती है। कोई भी विधायक जीत के जाता है दोबारा आके समाज नहीं पूछता, हमारी नाली खराब है, कोई ग्राम राशन पानी बंद कर दिए हमारे और कोई बात नहीं, सुविधा नहीं देते हैं। यहाँ बसाने की कोशिश कर जाते हैं, यहाँ बसाएंगे फिर उसके बाद में हम तो बसे बसाए में को क्या बसाएंगे, आगे की कोई बात नहीं करते हैं लोग। बसाने का वादा है तो पिछले चुनाव में किए गए वादे क्या पूरे हुए? एक भी नहीं हुआ पूरा, एक भी पूरा नहीं, एक भी पूरा नहीं हुआ। तो अब क्या सोचते हैं, क्या मूड है, क्या मन बनाया है, क्या अपना क्या मानस है, किसको वोट देंगे? कांग्रेस को वोट देंगे, कांग्रेस ही आएगी यहाँ से। कांग्रेस से एक नया प्रत्याशी है आपके इलाके से बाहर का है, क्या उस पर भरोसा करना सही है? भरोसा पार्टी पे भी है और उन पे भी है, दोनों पे। राजस्थान की नई विधानसभा को लेकर विधायकों में चर्चा और अंधविश्वास आज भी कायम है। क्या विधानसभा में भूत है या फिर विधानसभा अपशुकनी है, इसको लेकर चर्चाओं का दौर एक बार फिर चुनावी मौसम में लोगों की जुबान पर है। क्योंकि विधानसभा से जुड़ा ये मिथक कहे या इसे सच्चाई कि एक साथ विधानसभा में वर्ष 2000 के बाद अब तक सदन में 200 विधायक एक साथ सदन की कार्रवाई कहे या सदन में उपस्थिति में एक साथ कभी नहीं रहे, मतलब कभी 199 तो कभी 198 विधानसभा सदस्य ही एक साथ हो पाए, यानी कोई ना कोई सदस्य विधानसभा शुरू होने से पहले ही भगवान को प्यारा हो जाता है। इसको लेकर भरी विधानसभा में नागौर विधायक हबीबुर रहमान ने भी एक बार कहा था कि नई विधानसभा में ऊपरी साया है। पहले भी कहा था कि विधानसभा में हम कभी भी 200 विधायक नहीं बैठे, जब से ये विधानसभा बनी है, इसका जब ये बनी, जब स्वर्गीय हमारे पूर्व मुख्यमंत्री भैरव सिंह जी ने इसकी नींव रखी थी, उस वक्त भी मैं विधायक था,
और जब बनी जब भी मैं विधायक था, लेकिन हम मैंने देखा है वहाँ कभी 200 विधायक नहीं बैठते, क्योंकि ये जमीन ही एक कहीं शमशान था कहीं कब्रिस्तान था और बहुत कचरा डालते थे जमीन पर। बनी है उस स्थान को मैं थोड़ा सा इस तरह से मानता हूँ कि यहाँ शमशानों की जमीन थी और शमशान यहाँ नजदीक है, इसलिए उसका निर्माण भी एक तरह से अपवित्र हुआ है और इसमें कोई न कोई हमेशा कोई पुरानी विधानसभा है उसमें ऐसी इस तरह की बात नहीं थी कि भाई कभी कोई न कोई खंडित होता ही रहता है। टोंक विधानसभा में दोनों ही दिग्गज चुनावी रण में है। दोनों ही दलों के नेता व पार्टी कार्यकर्ता अपने व अपनी पार्टी के लिए जन दरबार में जाकर अपनी अपनी हाजिरी देकर वोट मांग रहे हैं। भाजपा के उम्मीदवार यूनुस खान अपने समर्थकों के साथ लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं। बीकानेर के श्री डूंगरगढ़ विधानसभा क्षेत्र के कांग्रेस उम्मीदवार मंगलाराम गोदारा को जनसंपर्क के दौरान लोगों के विरोध का सामना करना पड़ा। इस दौरान कांग्रेस उम्मीदवार मंगलाराम गोदारा का काफिला बिग्गाबास गांव पहुंचा तो उस स्कूल के पास पहुंचा तो ग्रामीणों ने काफिले को काले झंडे दिखाए। वहीं विरोध करने का वीडियो सोशल मीडिया पर भी खूब वायरल हो रहा है। न्यूज इंडिया इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता। भरतपुर में गुरुवार को जिला कांग्रेस कार्यालय पर जिलाध्यक्ष शेर सिंह सूपा की अगुवाई में अखिल भारतीय किसान कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नाना पाटले और भरतपुर जिले के एआईसीसी के पर्यवेक्षक पंकज मलिक द्वारा राजस्थान प्रदेश कांग्रेस का जन घोषणा पत्र जारी किया गया। ऐसा है कि नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री है लेकिन प्रधानमंत्री जैसा व्यवहार उनका नहीं है और एक देश के प्रधानमंत्री को इस तरह से वक्तव्य करना ये शोभा नहीं देता। ये बोलने भी मुझे तकलीफ होती है क्योंकि प्रधानमंत्री पद पे बैठे हैं। रहा कांग्रेस मुक्त भारत करने की बात, तो आज आपने देखा होगा कि जो भी राज्यों में चुनाव हुए छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश उसका जो एग्जिट पोल आ रहा है उसमें कांग्रेस जीत रही है। राजस्थान में भी लोगों की मानसिकता कांग्रेस को जिताने की है क्योंकि संविधानिक व्यवस्था जिस तरह से नरेंद्र मोदी की और वसुंधरा राजे की सरकार ने खत्म करने की जो व्यवस्था बनाई थी लोगों को जो राजस्थान विधानसभा चुनाव 2018 के लिए कांग्रेस ने अपना चुनावी घोषणा पत्र जारी कर दिया है जिसे जन घोषणा पत्र का नाम दिया गया है। ऐसे में कांग्रेस का जन घोषणा पत्र बीजेपी के राजस्थान गौरव संकल्प पत्र से कैसे बेहतर है ये हम आपको दिखाते हैं अपनी एक विशेष रिपोर्ट में। बीजेपी के बाद अब कांग्रेस का घोषणा पत्र जारी। इन घोषणा पत्र को जन घोषणा पत्र का नाम दिया गया। घोषणा पत्र में 400 से ज्यादा घोषणाएं शामिल। पूर्व सीएम अशोक गहलोत, प्रदेश अध्यक्ष सचिन पायलट ने किया जारी। क्या होगा इस बार के राजस्थान का चुनावी माहौल? क्या कांग्रेस का जन घोषणा पत्र बीजेपी के गौरव संकल्प पत्र पर पड़ेगा भारी? क्या कांग्रेस का घोषणा पत्र राजस्थान की जनता को लुभा पाएगा? आखिर कौन बनेगा राजस्थान का मुकद्दर का सिकंदर? किसके हाथों में होगी राजस्थान के सियासत की चाबी? गिरते तापमान के बीच राजस्थान के रण में सियासी गर्मी बढ़ती जा रही है। 7 दिसंबर को राजस्थान में विधानसभा चुनाव होने हैं और 11 दिसंबर को राजस्थान की जनता को उनका अपना सीएम मिल जाएगा। ऐसे में राजस्थान की सत्ता की चाबी किसे मिलने वाली है ये एक ऐसा सवाल है जिसके लिए राजस्थान की जनता को 11 दिसंबर तक का इंतजार करना पड़ेगा। वहीं राजस्थान के 200 विधानसभा क्षेत्रों का दौरा कर राजनेता चुनावी सभाओं को संबोधित कर रहे हैं जिसके लिए देश की दो बड़ी दिग्गज पार्टी बीजेपी और कांग्रेस में जुबानी जंग देखने को मिल रही है। ऐसे में चुनाव को लेकर अब कुछ ही दिन बचे हैं। वहीं राजस्थान में बीजेपी और कांग्रेस पार्टी ने जनता के लिए अपने वायदों का पिटारा खोल दिया है। जहां 27 नवंबर यानी कि मंगलवार को जयपुर में राजस्थान की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे और केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने बीजेपी का घोषणा पत्र राजस्थान गौरव संकल्प 2018 जारी किया था, वहीं अब राजस्थान कांग्रेस पार्टी ने भी पीसीसी कार्यालय में जन घोषणा पत्र जारी कर जनता को लुभाने की कोशिश में जुटी है। इस घोषणा पत्र को राज्य के पूर्व सीएम अशोक गहलोत, प्रदेश अध्यक्ष सचिन पायलट और घोषणा पत्र समिति के अध्यक्ष
हरीश चौधरी ने जारी किया है, जिसमें 400 घोषणाएं शामिल हैं। ऐसे में घोषणा पत्र को जारी करते हुए कांग्रेस संगठन के महासचिव अशोक गहलोत और पीसीसी चीफ सचिन पायलट ने कहा कि पिछली गवर्नमेंट वसुंधरा जी ने जो योजना बंद कर दी थी हमारी, तो आप समझ लीजिए मैनिफेस्टो अगर पानी को नहीं गया होगा तो हमारा वो कमिटमेंट भी है कि पिछली सरकार की योजनाएं, चाहे वो रिफाइनरी की हो, चाहे वो मेट्रो की हो, चाहे ब्रॉडगेज की हो, आदिवासियों में जो जो काम उस वक्त में हमने शुरू किए थे वो काम सब करने का प्रयास वापस पुनः प्रयास शुरू कर दिए। इवन जो देश के अंदर पहले राजस्थान ऐसा राज्य है, वसुंधरा जी ने विश्वविद्यालय बंद करने का काम किया, देश के इतिहास में जो विश्वविद्यालय खुल गया कभी वो बंद कभी नहीं हुआ आज तक। पहली बार हरदेव जोशी के नाम से जो हमने माखनलाल चतुर्वेदी की तर्ज पर एक शानदार विश्वविद्यालय प्रारंभ किया था। आने वाले वक्त में यहाँ जो आज हाईटेक हो गया, आपका मीडिया भी सब कोशिश चलते उसके अंदर, उसको बंद करने में तुक आज तक समझ नहीं आया। पहली बार ये कोशिश करी कि न सिर्फ कांग्रेस पार्टी के नेताओं कार्यकर्ताओं का, लेकिन आम जनता का जो कांग्रेस से उम्मीदें हैं, अगली सरकार से जो उम्मीदें हैं, उनके लिए हम लोग मल्टीपल प्लेटफॉर्म से लोगों के सुझाव लें, सोशल मीडिया से, SMS से, ईमेल से, व्हाट्सएप से, हम लोगों ने ऐसा कहा लगभग 2 लाख सुझाव प्रदेश के अलग अलग कोनों से आए हैं। और ये जन घोषणा पत्र का हमने संज्ञा इसलिए दी है क्योंकि ये सिर्फ कांग्रेस की ही सोच नहीं है, इसमें राजस्थान के आम नागरिक की जो सोच है वो जुड़ी हुई है। और जैसा कि आप जानते हैं कि भाजपा ने भी एक और अपना घोषणा पत्र जारी किया, मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ क्योंकि राजस्थान में सरकार BJP की रही 5 साल, KNP की सरकार रही। पहले तो भारतीय जनता पार्टी को अपने 5 साल की जो विफलताएं थी, जो वादे पिछली बार किए थे जो पूरा नहीं कर पाए, उसके लिए माफ़ी मांगनी चाहिए थी, प्रायश्चित करना चाहिए था और उसके बाद अपनी आगे की बात बोलते। बहुत सारे वादे उन्होंने किए हैं, लेकिन आप जानते हो जो पार्टी 15 लाख रुपए खाते में जमा कराने की बात बोल चुकी है और 4 नए पैसे किसी खाते में आए नहीं, आज वो भत्ता देने की बात करती है। 5 साल तक लोगों को बेरोजगार रखा, लाठियां चलाईं, उनको भला बुरा कहा गया और आज नौजवानों को वो मासिक भत्ता देने की बात कर रहे हैं। वहीं न्यूज इंडिया के संवाददाता रहमतुल्ला खान ने कांग्रेस चुनाव घोषणा पत्र समिति के अध्यक्ष हरीश चौधरी से इस घोषणा पत्र के बारे में जाना। कांग्रेस ने आज जन घोषणा पत्र जारी किया, इसमें विशेष करके किसानों, युवाओं, महिलाओं और बालिका की शिक्षा समेत तमाम मुद्दों पर ध्यान दिया गया है। हमारे साथ घोषणा पत्र समिति के अध्यक्ष हरीश चौधरी मौजूद हैं, इनसे हम बात करेंगे। विशेष करके किसानों, महिलाओं, बालिकाओं की शिक्षा पर ध्यान दिया गया, युवाओं और बेरोजगारी पर। राजस्थान के सभी वर्गों के संदर्भ में घोषणा पत्र के अंदर उल्लेख है। नौजवानों की रोजगार की प्राथमिकता है, किसानों को राहत की प्राथमिकता है, महिलाओं को शिक्षा और सुरक्षा की प्राथमिकता है, गरीब को यूनिवर्सल PDS की प्राथमिकता है, सभी वर्गों के लिए, चाहे वो एडवोकेट हो, चाहे वो पत्रकार हो, राइट टू हेल्थ, स्वास्थ्य का अधिकार का भी उल्लेख इस घोषणा पत्र के अंदर किया गया। जो पिछली गहलोत सरकार में जो जिस प्रकार से को योजनाएं थी उसको वसुंधरा सरकार ने बंद कर दी, उनको वापस लागू करने की भी योजना है। जो भी फैसले बंद किए गए उन फैसलों को वापस शुरू करने का विश्वास आज इसी कमरे के अंदर कांग्रेस पार्टी ने वापस दिलाया। चलिए आपको दिखाते हैं कांग्रेस की ओर से जारी जन घोषणा पत्र में राजस्थान की आम जनता के लिए क्या कुछ खास है। किसानों की कर्ज माफी और बुजुर्ग किसानों को पेंशन, बेरोजगार युवाओं को 3,500 रुपए तक का मासिक भत्ता, शारीरिक रूप से अक्षम या कमजोर किसानों को मिलेगा आर्थिक राहत, असंगठित क्षेत्र के मजदूर के कल्याण के लिए बोर्ड बनाने का वादा, कृषि उपकरणों को GST के दायरे से बाहर रखा जाएगा, ट्रैक्टर को GST के दायरे से बाहर निकालने का वादा, प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए रोडवेज किराया फ्री करना, युवाओं को रोजगार के अवसर मुहैया कराए जाएंगे, बेरोजगार युवाओं को आसान लोन देने का वादा, बेटियों को आजीवन मुफ्त शिक्षा देने का वादा, कॉलेज में विशेष पढ़ाई पर ज्यादा फोकस, रोजगार देने पर फोकस, मुद्रा योजना पर होगा काम, पत्रकार सुरक्षा कानून का वादा, रोजगार के लिए कम ब्याज दर पर ऋण, घोषणा पत्र को लेकर बनेगी कमेटी,
इसी चुनावी घोषणा पत्र में कांग्रेस ने किसान, युवाओं और महिलाओं पर फोकस किया है। एक तरफ जहां सत्ता में आने पर किसानों के लिए कर्ज माफी की घोषणा की गई है, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस ने लड़कियों को मुफ्त शिक्षा देने का वादा किया है। ऐसे में देखना होगा कि राजस्थान की जनता किसके घोषणा पत्र को अपनाती है और किसे नकारती है। आइए जरा अब देखते हैं कि मंगलवार को बीजेपी ने क्या कुछ राजस्थान गौरव संकल्प पत्र में घोषणा की है। बेरोजगारों को 5,000 रुपए का भत्ता, हर साल 30,000 सरकारी नौकरी, अगले 5 सालों में 50,00,000 नौकरियां देने का वादा, गांव के लिए 250 करोड़ का स्टार्टअप फंड, किसानों की आय दोगुनी करने का वादा, हर जिले में योग भवन का वादा, सेना भर्ती शिविरों में युवाओं के लिए प्रशिक्षण केंद्र खोले जाएंगे, सभी जिलों को 4 लेन राजस्थान माला हाईवे से जोड़ा जाएगा, यूनिवर्सल हेल्थ इंश्योरेंस को भामाशाह योजना के साथ जोड़ा जाएगा। बहरहाल सभी राजनीतिक पार्टियां चुनाव के वक्त घोषणा पत्र जारी करती हैं, लेकिन सत्ता में आते ही घोषणा सिर्फ घोषणा बनकर रह जाती है। ऐसे में राजस्थान के रण में सभी दलों के नेता और कार्यकर्ता जमकर पसीना बहा रहे हैं। अब देखना होगा कि राजस्थान की जनता किस पार्टी के घोषणा पत्र को पसंद करती है। कांग्रेस घोषणा पत्र समिति के अध्यक्ष हरीश चौधरी, इनका ये कहना है कि जो कांग्रेस का जो घोषणा पत्र वो सिर्फ घोषणा ही नहीं है, कांग्रेस का वादा है। ये तमाम जो सरकार बनते ही सबसे पहले इन घोषणाओं पर विशेषकर ध्यान दे करके इनको लागू किया जाएगा। कैमरा पर्सन दिनेश पारी के साथ रहमतुल्ला खान, न्यूज इंडिया, जयपुर। कमेटी के द्वारा विधानसभा चुनाव 2018 का घोषणा पत्र जारी किया गया, जिसको लेकर संभाग मुख्यालय जोधपुर में मीडिया के समक्ष घोषणा पत्र जारी किए जाने का कार्यक्रम भी रखा गया, जिसमें अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सचिव विवेक बंसल, वरिष्ठ नेता अर्जुन मोटवाड़िया समेत मैनिफेस्टो लॉन्चिंग कमेटी के सदस्य और संभागीय प्रवक्ता डॉक्टर अजय त्रिवेदी द्वारा घोषणा पत्र जारी किया गया। जोधपुर के शहर के तीनों विधानसभा क्षेत्र के भाजपा प्रत्याशी सामूहिक रूप से राजस्थान हाईकोर्ट में जाकर सभी अधिवक्ताओं से भाजपा के समर्थन में जनसंपर्क कर रहे थे। इस दरमियान जोधपुर शहर से प्रत्याशी अतुल भंसाली, सरदारपुरा से शंभू सिंह खेतासर, सूरसागर विधानसभा क्षेत्र से सूर्यकांता व्यास ने सामूहिक रूप से जोधपुर हाईकोर्ट में अधिवक्ताओं से मिले और जनसंपर्क कर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान की अपील की। बहुत सुंदर रेस्पॉन्स मिल रहा है। आज हमने सुबह से जान जान कैंपेनिंग की है, तो ऐसा लगता है जैसे मतदाता आज ही जाग गए। मतदाताओं में बहुत बड़ी जागृति आ गई है। अब हमें समझाने की जरूरत नहीं है, वो हमें समझाते हैं कि साहब लंबे समय से हम एक ही व्यक्ति को वोट देते आए हैं और वो व्यक्ति कभी हमारे मोहल्ले में, गली में, हमारे घर के आगे अभी खड़ा ही नहीं हुआ। हम पहली दफे देख रहे हैं कि आप हमारे मोहल्ले में तो आए हो। और ये बात मैं भी समझता हूँ कि जो जनप्रतिनिधि जहाँ का बनता है, वो यदि उस लोकेलिटी में, उस मोहल्ले में नहीं जाएगा तो उन्हें क्या पता पड़ेगा यहाँ किस चीज। मतदान का दिन नजदीक आने के साथ ही प्रत्याशियों का जनसंपर्क अभियान तेज हो गया है। किशनपुर विधानसभा क्षेत्र से भाजपा के प्रत्याशी मोहनलाल गुप्ता ने वार्ड नंबर 71 और 77 समेत कई क्षेत्रों में जनसंपर्क किया। उनका एक काफिला बगरू वालों के रास्ते से गुजरा तो लोगों ने उनका फूल मालाओं से स्वागत किया। इस अभियान के दौरान बड़ी संख्या में कार्यकर्ता बीजेपी के पक्ष में नारेबाजी करते हुए उनके साथ चल रहे थे।
राजस्थान में अपने बड़बोलेपन के कारण मशहूर रहने वाले निर्दलीय विधायक और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक हनुमान बेनीवाल एक बार फिर अपने बयान से चर्चाओं में हैं। अजमेर जिले के मसूदा प्रवास पर उन्होंने विवादित बयान देते हुए कहा कि गप्पू और पप्पू की पार्टी को ज्वाइन करने के बजाय उन्होंने तीसरा मोर्चा बनाया है। समस्त छत्तीस कौम को साथ रहकर 150 सीट राजस्थान के अंदर जीतेगी, क्योंकि मेरे पास युवाओं की फौज है। जवान जिधर चलता है उधर जमाना चलता है, और आरएलपी का कार्यकर्ता हनुमान बेनीवाल बनकर लड़ाई लड़ रहा है। वो भूखा प्यासा सुबह से रात तक घूमता है हर सभा के अंदर। जब रात को 3 बज जाती है, बच्चों को कहता हूँ कि खाना खा लो, वो कहते हैं कि भाई साहब अब तो 3 बज गई, सुबह ही खाना खाएंगे, आज का तो ऐसे ही गया। तो इतना ताकत और इतने लोक देवताओं का अगर आशीर्वाद मेरे साथ है तो निश्चित है बहुत बड़ा बदलाव राजस्थान के अंदर होगा। और 57 सीटें कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के लिए जी का झंझाल बन जाएगी। कांग्रेस मुझे बीजेपी की बी टीम बता रही है और बीजेपी मुझे कांग्रेस की बी टीम बता रही है। मैं दोनों को सी टीम बता रहा हूँ, ये करप्ट पार्टियां दोनों। सरकार उन उपभोक्ताओं के चूल्हे 1 दिसंबर से बंद कर देगी जिनके गैस कनेक्शन की केवाईसी अपडेट नहीं हुई है। आपको बता दें कि प्रदेश में 3 लाख के आसपास उपभोक्ता हैं जिन्होंने अभी तक अपना केवाईसी यानी गैस कनेक्शन को आधार कार्ड से लिंक नहीं किया है। वहीं जयपुर की अगर बात करें तो 1.25 लाख के लगभग उपभोक्ताओं के चूल्हे बंद हो जाएंगे, जिनमें 65,000 उपभोक्ता इंडेन, 28,000 उपभोक्ता भारत और 30,000 के लगभग उपभोक्ता एचपी के हैं जिन्होंने अभी तक केवाईसी फॉर्म नहीं भरा है। देश में करीब 1.25 करोड़ कनेक्शंस हैं जो केवाईसी के बॉन्ड में बंद हो जाएंगे, यानी कि उसके अंदर कस्टमर को अपनी एक आईडी प्रूफ और एक एड्रेस प्रूफ अपलोड कराना पड़ेगा। जयपुर की अगर अपन बात करें, जयपुर में करीब 1.25 लाख कस्टमर 1 तारीख को बंद हो जाएंगे या प्रभावित हो जाएंगे। सभी वितरकों को सूचना दी जा चुकी है और वो अपने अपने स्तर पर युद्ध स्तर रूप से ग्राहकों को इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं और केवाईसी की डिमांड कर रहे हैं, कृपया अपना केवाईसी अपलोड कर दें। करीब 10-15% जो हैं उपभोक्ताओं के केवाईसी डिस्ट्रीब्यूटरों के पास आ चुके हैं जिनको अपलोड कर रहे हैं, लेकिन फिर भी 30-35-40% जो 1 लाख का है, करीब 35-40 हज़ार कस्टमर तो अवश्य ही 1 तारीख को जयपुर में बंद हो जाएंगे। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।